ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, अब नीचे की ओर चलते हैं, चार पांच प्रॉब्लम और है वो और सॉल्व कर लेते हैं, उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर डाउट पूछेंगे, फिर दूसरी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 कह रही है कि बीम है एक, जिसपे ए और बी पर रिएक्शन आर वन आर टू है। जब भी एक ही डायरेक्शन में एक रिएक्शन दिखा रहा है, यानी कि एक ही वर्टिकल रिएक्शन दिखा रहा है एफ वाई डायरेक्शन में, एफ वाई बोलते हैं इसे, वाई डायरेक्शन, तो समझ लो वहाँ पे पिन सपोर्ट है, या एक पिन एक रोलर, सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, वहाँ पे एक ही रिएक्शन डेवलप होती है। इस बीम की जो लेंथ है टोटल, वो है आपका 5 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में बीम की जो लेंथ होती है वो सपोर्ट टू सपोर्ट काउंट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट टू सपोर्ट 5 मीटर है, एक ही स्पैन है ये। ठीक है, अब एक ही स्पैन है, उस पर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, 8 किलो न्यूटन एंड 4 किलो न्यूटन। तो ये देखो, बीम सिंपल है, ये प्रॉब्लम वैसे तो कर चुके हो आप, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसे जल्दी से हम सॉल्व करेंगे, फिर डाउट पूछेंगे। ठीक है, तो आर वन आर टू दो रिएक्शन है। अगर मैनुअली आपको नहीं पता है तो मैनुअली बहुत सिंपल होता है, क्योंकि कैसे करेंगे हम, आर वन प्लस आर टू इजकल टू टोटल लोड 12 किलो न्यूटन, है ना। आर वन प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, एफ वाई फोर्स, टोटल इक्विलिब्रियम फोर्स 0 होगा, तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। फिर एक पॉइंट पे मूवमेंट लो, क्योंकि यहाँ एक ही सपोर्ट है, मतलब एक ही रिएक्शन डेवलप हो रही है, यानी कि यहाँ मूवमेंट 0 है। तो अगर हम यहाँ पे मूवमेंट ले लें, आर वन मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस, यानी आर वन मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ऊपर से मूवमेंट ले लेंगे ऊपर वाले लोड के माइनस, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो दो रिएक्शन हो गए, इनको सॉल्व करेंगे तो आर वन आर टू की वैल्यू आ जाती है। तो आर वन आर टू की वैल्यू आ रही है, आर वन की वैल्यू आ रही है 5.6 किलो न्यूटन, आर टू की वैल्यू आ रही है 6.4 किलो न्यूटन। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम और रिएक्शन जो आ रहे हैं वो इन दो लोड की वजह से आ रहे हैं और कोई लोड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम सेल्फ वेट इग्नोर करेंगे, बट स्टैट प्रो में क्रॉस सेक्शन और मटेरियल देना पड़ता है, तभी वो एनालिसिस करेगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट डे 5 स्पेस स्ट्रक्चर, डे 5 मीटर किलो न्यूटन, नेक्स्ट एड बीम में सारे काम हो जाते हैं, इसलिए एड बीम फिनिश, क्योंकि सिंपल सिंपल बीम की प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस बीम में केवल एक लाइन होती है, तो हम ग्रिड यूज करेंगे, 5 मीटर है 0 से 5, ग्रिड को क्लोज, फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। आइसोमेट्रिक व्यू से हटाकर फ्रंट व्यू में जाएंगे, और अब हम क्या करते हैं, इसको इधर रखते हैं, हाँ जनरल में जाएंगे, सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट के बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट सपोर्ट, यहाँ पे पिन ले लेता हूँ मैं, दोनों साइड पिन लगा लेता हूँ, क्योंकि पिन पे भी एक ही रिएक्शन डेवलप होती है, रोलर पर भी। ठीक है, पिन सपोर्ट को मैं दोनों पे अप्लाई कर देता हूँ, दोनों जॉइंट्स पे हो गई। फिर इसी के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर ये आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन करते हैं तो मटेरियल भी साथ के साथ हो जाता है। यहाँ पे देखो, मटेरियल स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, कंक्रीट, या फिर आपको अपनी तरफ से कोई मटेरियल बनाना है वो भी आप मटेरियल बना सकते हो। ठीक है, अभी जो कंक्रीट डिफॉल्ट है इसमें वो हम ले लेते हैं, और हम रेक्टेंगुलर साइज ही लेते हैं, क्योंकि बीम का रेक्टेंगुलर साइज ही होता है, तो 0.5 एंड 0.4। ठीक है, 500 बाय 400 mm का क्रॉस सेक्शन है कंक्रीट का, इसको ऐड किया क्लोज, और इसको अब इस प्रॉपर्टी को हमें बीम के ऊपर अप्लाई करना है, तो असाइन टू व्यू कर दो, एक ही बीम है, ये हो गया। अब आते हैं लोड की बात, लोड को आपको थोड़ा ज्यादा समझना है।
सबसे पहले लोड टाइप बनाना होगा। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं डेड या लाइव क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी एक बुक की प्रॉब्लम है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि देख लेते हैं हम, ये लाइट बीम में सपोर्टेड एंड लोडेड इन सोन फिगर ड्रॉ शियर फोर्स, इसमें ये गिवन नहीं है कि जो 8 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन है वो आपका डेड लोड है कि लाइव लोड है या विंड लोड है, जो भी टाइप का लोड है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न तो हमें पता है पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड किसी के अंदर भी आ सकता है। तो ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, तो हम डेड लोड मान के इसको करें या लाइव लोड मान के हम करें, ये दोनों ही तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेड लोड मान लूंगा इन दोनों को और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन, उसके बाद लोड केस पे क्लिक करके ऐड करना होता है, और यहाँ पे लोड मैं यहाँ पे डेड और यहाँ पे टाइटल भी डेड लोड ऐड कर दिया, क्लोज। डेड पे क्लिक करना है, फिर ऐड करना है, और यहाँ पे क्योंकि दोनों लोड मेंबर के ऊपर लग रहे हैं तो मेंबर लोड, कंसंट्रेटेड फोर्स को ही पॉइंट लोड बोलते हैं। पहला लोड है 8 किलोन्यूटन जो 2 मीटर पे लग रहा है, दूसरा 4 है जो लग रहा है 4 मीटर पे यहाँ से स्टार्ट होके। तो पहला लोड, सॉरी मैं दोबारा भूल गया, 8 और 4, 8 किलोन्यूटन माइनस डाउनवर्ड के लिए 2 मीटर पे लग रहा है ऐड, फिर है -4 4 मीटर पे लग रहा है ऐड, क्लोज। इन दोनों को अब हमें अप्लाई करना होगा बीम के ऊपर, तो मैं यहाँ पे बीम के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ इसमें मैं, एक तो ये कि ये जो जूम आउट जूम इन करते हैं हम माउस स्क्रॉल से, तब भी इसके जो एरो हैं, जो लोड के एरो हैं, बहुत ज़्यादा लंबे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ये काफ़ी जगह काम आता है। यहाँ पर एक बटन है, ये वाला, ठीक है, ये तो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक विंडो आ जाती है। इस विंडो में हमें जाना पड़ेगा स्केल पे, इस विंडो में कहाँ जाना पड़ेगा, स्केल वाले टैब पे, ठीक है। मैं स्केल वाले टैब पे जाता हूं और यहां पे हम बात कर रहे हैं लोड की केवल, तो लोड का टैब कौन सा है, ये है लोड की सेटिंग, और लोड भी किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट फोर्स की, इसकी। तो इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आप देखोगे, साइड में इसको कर लेते हैं इधर हम, और यहाँ पे अप्लाई इमिडिएटली कर लेते हैं, साथ के साथ चेंजेस दिखाते रहें। तो पॉइंट लोड की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर इसे बढ़ा रहा हूँ तो देखो एरो का साइज छोटा हो गया, ठीक है, ये करना है, ओके कर देना। अब एरो का साइज ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। अब लोड की वैल्यू अगर आपको यहीं पर देखनी है स्क्रीन पर, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Shift+V, Shift+V लोड वैल्यू के लिए, ठीक है, नोट कर लेना। इसका आपका क्विज भी होगा, ठीक है, आपको क्विज भी देना है, तो ये सब चीज़ें क्विज में पूछी जाती हैं, शॉर्टकट की ऑफ लोड वैल्यू। तो शिफ्ट और वी मैंने प्रेस किया तो देखो लोड की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस हमें एक बार क्या करना है, एनालिसिस एंड प्रिंट, यहाँ पे एड और यहाँ से एनालिसिस कर देना है, डन। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये आ गया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, -11.20 है जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये रहा आपका। अब मैं इसकी वैल्यू मैनुअल से मैच करके देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11.2, बस मैंने कहा था कि डायग्राम इसने जो साइन कन्वेंशन है, बुक ने कुछ और माना है और स्टैड ने कुछ और माना है, वर्टिकल लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो डाउनवर्ड बनाता है नेगेटिव, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये 11.2 मैक्सिमम आ रही है, और उसके बाद जो सेकंड आ रही है वो 6.4 आ रही है, तो ये 6.4 भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पर 6.4 आ रही है, कैसे चेक करेंगे इसको यहाँ पे 6.4, तो मैं इसको देखो यहाँ पे देखो, इसको मूव कराता हूँ इसको, और इसको मूव करा के यहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ तक, तो मुझे यहाँ तक की बेंडिंग मूवमेंट पता चल जाएगी, यहाँ पे आ रही है, देखो ये आ रही है, लगभग वही आ रही है, क्योंकि उसे हिलाना होता है,
या फिर आप यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ये किस डिस्टेंस पे बता रहा है, डिस्टेंस नहीं दी हुई इसने, अगर डिस्टेंस हमें पता होती तो यहाँ डिस्टेंस डालेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब शीयर फोर्स की देख लेते हैं, शीयर इन वाई, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आ रहा है, इसमें भी सेम यही आ रहा है, 5.6 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 6.4, और स्टैट प्रो में भी 5.6 और 6.4, तो रिजल्ट मैच हो गए हैं हमारे। अब किसी को कोई डाउट पूछना है इस प्रॉब्लम से या पीछे कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकता है। है किसी का कोई डाउट? सर वो लोड प्लेसमेंट मिस हो गया था कि कितने डिस्टेंस से प्लेस करना है, वो मिस हो था अच्छा, मुझसे। यहाँ पे फर्स्ट लोड जो है 8 किलोन्यूटन वो 2 मीटर पे है, ठीक है, और जो सेकंड लोड है 4 किलोन्यूटन वो 4 मीटर पे है यहाँ से, ए से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जब हमने लोड डिफाइन कर रहे थे हम कंसेंट्रेटेड फोर्स, तो यहाँ पे डी वन की वैल्यू हमने 8 किलोन्यूटन के लिए 2 डाली थी, और जब हम दूसरा लोड 4 किलोन्यूटन डिफाइन कर रहे थे तो डी वन की वैल्यू 4 डाली थी, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस लेता कहाँ से है, ये ऐसा भी तो हो सकता है डिस्टेंस यहाँ से मेजर करे, तो जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि आप जब माउस को बीम के ऊपर रख दोगे और थोड़े छोड़ोगे तो 3 कलर दिखाता है, ग्रीन कलर का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो भी डिस्टेंस ये मेजर कर रहा है डी वन की लोड की वो ग्रीन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमने 8 किलोन्यूटन के लिए डाला 2 मीटर, तो उसने यहाँ से 2 मीटर लिया। जब 4 किलोमीटर डिफाइन कर रहे थे तो उसने ये, अगर आपको मान लो लोड की डिस्टेंस ये वाली पता है 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस नहीं पता, ये वाली, तो आपको टोटल स्पेन में से 1 मीटर माइनस करना पड़ेगा और डिस्टेंस यहीं से डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस ये ग्रीन पॉइंट से ही लेता है, किसी और का कोई और डाउट? आगे चलो, नो ठीक यस है। सर, आगे। सेकंड प्रॉब्लम सेवंथ, सेवंथ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ टोटल वेट 60 किलो न्यूटन व्हिच इज सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। टोटल वेट 16 किलो न्यूटन है इसका, तो ये हो गया आपका इसको समझो प्रॉब्लम को, इन्होंने लोड पॉइंट लोड की तरह एरो दिखा के नहीं दिखाया गया कि लोड लग कहाँ रहा है, इन्होंने कहा है पूरे बीम का जो वेट है वो है 60 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है कि इसके ऊपर लोड कितना लग रहा है, किस पैटर्न में लग रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ से 4 मीटर से, तो 60 डिवाइड बाय 4 ये आ गया आपका 15, तो ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, 15 किलोमीटर किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी के भी सेल्फ वेट को यूडीएल में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह कैसे करेंगे, उसको स्पेंस की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो यूडीएल लग रहा है जिसका आप बुक्स में देखोगे इस तरह से होता है सिंबल, तो ये यूडीएल पूरे स्पेन पे लग रहा है जिसकी यूनिट है 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और बीम की लेंथ है 4 मीटर टोटल, सॉरी 2 बीम है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जॉइंट टू जॉइंट या सपोर्ट टू सपोर्ट बीम काउंट करते हैं, तो एक 3 मीटर का स्पेन है, एक 1 मीटर का स्पेन है, ठीक है। आर वन आर टू सब चीज वही दी हुई है, चलो अब इसे करते हैं सॉल्व। न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी नाम है वो ले लेते हैं, मीटर ये सब तो आपको बता चुका हूँ, 4 मीटर का बीम है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 मीटर का है कि हाँ 4 मीटर का, 3 मीटर पे क्लिक किया फिर 4 मीटर पे क्लिक किया, इससे 2 स्पैन हमारे ऑटोमेटिक बन गए, ठीक है। अभी तक हम ग्रिड ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर आ रहे हैं, यहाँ से हम क्यूब से आइसोमेट्रिक व्यू हटाएंगे, फ्रंट व्यू पे जाएंगे जिससे सीधा हो जाएगा बीम, ये रहा। यहाँ पे हमें सपोर्ट पे जाना है, जनरल सपोर्ट, यहाँ पे क्रिएट करते हैं पिन सपोर्ट, अभी तक पिन सपोर्ट के न्यूमेरिकल आ रहे हैं,
पिन सपोर्ट कहाँ कहाँ क्लिक करनी है, एक तो फर्स्ट जॉइंट पे, एक बीच वाले जॉइंट पर बीच वाला जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। तो याद हो तो मैंने बताया था कि जॉइंट अगर नहीं दिखाई दे रहे तो उसका देखने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए उसका जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस के है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट प्लस के प्रेस करता हूँ, ये आ गए। अब मैं इस सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इन दोनों जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके। जॉइंट ही क्यों सिलेक्ट हुए, क्योंकि मेरा सपोर्ट पे क्लिक करते ही ना मेरा कर्सर ऑटोमेटिक जॉइंट कर्सर बन गया। अब मैंने इन दोनों पे ये सपोर्ट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब 15 किलो न्यूटन पर मीटर यानी कि यूडीएल लगा हुआ है इन दोनों बीम पे, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं डेड लोड। तो लोड एंड डेफिनेशन पे गए, लोड केस पे क्लिक करना होता है, फिर नीचे ऐड पे क्लिक करना होता है, फिर यहाँ पे हमें डेड लोड, यहाँ पे टाइटल भी हम डैडी डालेंगे, लेकिन मैंने बताया था कुछ भी टाइटल डाल तो रिजल्ट कोई चेंज नहीं आएगा। अपने समझने के लिए हम जो टाइप होता है वही टाइटल डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में मूवीज का फोल्डर है, तो उस फोल्डर का नाम आप क्या डालोगे, मूवीज ही डालोगे। डाल दोगे तो मूवीज चेंज तो नहीं हो जाएगी, रहेगी मूवीज। अपनी सहूलियत के लिए आप नाम वही रखते हैं जो डाटा अंदर होता है, तो सेम वही टाइटल का काम है। एड क्लोज, इस डेड लोड पर क्लिक करेंगे और एड करेंगे तो अब लोड आ जाएंगे। कौन से टाइप का लोड लेंगे, क्योंकि ये भी अभी मेंबर पे लग रहा है। अभी तक हम दो ही लोड सीखे हैं, नोडल लोड और मेंबर लोड, उसके अंदर भी एक दो सीखे हैं, बहुत सारे लोड हैं, सब हम सीखेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। तो मेंबर लोड पे क्लिक किया और इसमें कौन सा लोड लेंगे, यूनिफॉर्म लोड, क्योंकि यूनिफॉर्म को ही बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है -15 डालेंगे, क्योंकि माइनस डाउनवर्ड के लिए होता है। अब यहाँ पे देखो T1 D2 D3 आ गया। आप पॉइंट लोड के केस में केवल D1 D2, लेकिन UDL के केस में D1 D2 D3 आ गया है। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ एक ही बार, अभी जरूरत नहीं है वैसे इस न्यूमेरिकल में, लेकिन समझा देता हूँ। मान लो कोई बीम ये है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, और उस पर UDL लग रहा है इस तरीके से, इतने बीम पे लग रहा है। तो ये D1 जो होगा वो होगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है UDL, ये D1, और D2 होगा कहाँ पे लोड खत्म हो रहा है, ये होगा D2 डिस्टेंस। और D3 मैंने बताया था विड्थ के अलोंग, ये कभी काम नहीं आता है, ठीक है, रिसर्च पर्पस में काम। D1 D2 में कोई वैल्यू नहीं डालनी है, क्योंकि हमारा जो UDL लग रहा है अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम में वो फुल लेंथ है, ठीक है। तो फुल लेंथ पे जब UDL लग रहा हो तो हमें D1 D2 कुछ नहीं डालना, तो मैं इसमें कुछ नहीं डालता, बस लोड की वैल्यू डाल के इसको ऐड कर लेता हूं। क्लोज, ये आ गया यहां पे। अब इसको मुझे कहां डालना है, इस बीम पे भी अप्लाई करना है और इस बीम पे भी, दो बीम पे हैं, दोनों को एक ही बार सिलेक्ट कर लो बीम को, या तो ये अलग अलग डाल दो, एक ही बात है। तो देखो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और असाइन टू सिलेक्टेड पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और असाइन करता हूँ तो ये आ गया लोड। अब इस लोड के भी एरो बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये वाला सिम्बल बताया है, सिम्बल्स एंड स्केल का ये आइकन है, इस पर क्लिक किया, सॉरी इस पर क्लिक किया, पिछली बार भी मैंने इसी पे क्लिक किया था ना, ये आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक किया स्केल। अब लोड पे जाएंगे, लोड में भी कौन से लोड पे, लोड इस वाले लोड पे, और इसकी वैल्यू कम ज्यादा करेंगे, पहले अप्लाई इमिडिएटली पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई इमिडिएटली, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू बढ़ाता हूं मैं, तो देखो ये एरो कम हो गया, ठीक है। लोड वैल्यू के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो शिफ्ट और वी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 15 लग रहा है और यहाँ पर भी 15, क्योंकि पूरे बीम पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, एनालिसिस एंड प्रिंट, ऐड क्लोज, और इसको एनालाइज कर देते हैं। चार एरर, देखो चार एरर आए हैं, कोई मुझे बता सकता है कि एरर क्यों, कोई स्टेप में भूला हूँ क्या, जनरल पे और प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे डिफाइन और रेक्टेंगुलर 0.3 और 0.23 इस तरह से ले लिया एक प्रॉपर्टी, कंक्रीट मटेरियल एड, और इसको असाइन टू व्यू कर दिया जिससे दोनों बीम पे चला जाए। अब दोबारा, अब मेरे को देखो एनालिसिस प्रिंट एक ही बार करना होता है, ठीक है। अब मैं सी पे एनालाइज कर दूंगा इसको,
जीरो एरर, डन। अब डबल क्लिक करूंगा मैं फर्स्ट बीम में तो उसका रिजल्ट दिखाएगा, सेकंड बीम में करूंगा तो उसका रिजल्ट दिखाएगा। आज हम बात सीखेंगे कि स्क्रीन पे रिजल्ट प्लस वैल्यू हम कैसे देखते हैं, ठीक है। और जब कभी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, रिजल्ट स्क्रीन पे जो डायग्राम बन रहा है उसको लें या डबल क्लिक से जो डायग्राम आ रहा है उसको लें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी होगी। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। ये पोस्ट प्रोसेसिंग अनलॉक तभी होता है जब एनालिसिस कर लेते हैं, उससे पहले इस पर नहीं क्लिक कर सकते आप। तो ये है आपका पोस्ट प्रोसेसिंग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये एक विंडो खुलेगी कि ये पूछ रहा है कि कौन से लोड के लिए आप काम करना चाहते हो। तो डेड लोड यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही लोड है, उसी के लिए काम करना है, ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप ओके करते हो, थोड़ा सा इसको समझना कि आपका जो बीम है वो ग्रीन कलर का दिखा रहा है। वो ग्रीन कलर का क्यों दिखा रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, जो टेबल्स हैं इनको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे टेबल चली जाए। और मैंने क्या कहा कि जैसे ही आप पोस्ट प्रोसेसिंग में गए तो आपका बीम ग्रीन दिखाई दे रहा है। वो ग्रीन इसलिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं मैग्नीफायर और ले लेता हूँ, कुछ आइकन्स दिखाने हैं मेरे को आपको। ये है रिजल्ट आइकन, इसमें देखो ऑटोमेटिक ये वाला आइकन क्लिक है, ये डिफ्लेक्शन का आइकन है, इससे हम चेक करते हैं डिफ्लेक्शन। तो जो डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल होगी वो आपकी ग्रीन में दिखाई देगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम है तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बिल्कुल ओवरलैप हो रही है आपके बीम के ऊपर ही, तो बीम आपको ग्रीन लग रहा है। तो इसको एनहेंस कर सकते हैं हम, डायग्राम को हम डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, उस डायग्राम को इनहेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन तो उतना ही होगा लोड की वजह से जितना आ रहा है। तो मैंने कंट्रोल दबाया और स्क्रॉल को मैंने पहले इस वाइट स्क्रीन पे क्लिक करना है, एक बार कंट्रोल बटन दबाया कीबोर्ड का, स्क्रॉल को मैंने मूव करा, तो देखो ये डिफ्लेक्शन प्रोफाइल हमारी एनहेंस होकर दिखाई दे रही है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है लोड की वजह से वो उतना ही आ रहा है जो लोड की वजह से है, केवल हम इसको आंखों से देख सके इसलिए डायग्राम को एनहेंस किया है, और कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। अब कितना कितना आ रहा है वो वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपोर्ट पे जाना है, सॉरी रिजल्ट पे जाना है, रिजल्ट पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करोगे तभी आएगा रिजल्ट, व्यू वैल्यू, ठीक है। मैं आराम से थोड़ा धीरे बताता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपको रिजल्ट क्या देखना है, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद क्या सोचना है कि रिजल्ट क्या देखना है, मुझे डिफ्लेक्शन देखना है जो पहले से क्लिक है, इस पर क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो लग जाएगा। तो पहले से डिफ्लेक्शन एक्टिवेट है तो पहले डिफ्लेक्शन ही मैं देख लेता हूँ। तो डिफ्लेक्शन को एक्टिवेट किया, रिजल्ट पे गया, व्यू वैल्यू, और यहाँ पे एक विंडो आ गई, इसमें मुझे देखना है बीम रिजल्ट, और बीम रिजल्ट में क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर टिक करना है, एनोटेट क्लोज। देखो अब यहाँ पे आप, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की वजह से कितना आ रहा है, 1.024 mm, बहुत कम है। और यहाँ पे इस फ्री सपोर्ट पे कितना आ रहा है, 0.649 mm, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को छोटा या बड़ा करता हूँ तो उससे डिफ्लेक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल डायग्राम देखने के लिए है। अब मुझे देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर मुझे मैनुअल से मैच करना है। सबसे पहले मैं डिफ्लेक्शन को हटा देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट MZ। देखो आपके जो शियर फोर्स जनरेट होते हैं वो तीन डायरेक्शन में होते हैं, FX, FY, FZ। थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में बता देता हूँ। FY ये वाला है, ये FY शियर फोर्स, ये जब Y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तब जनरेट होता है। FX कौन सा होगा, ये वाला, इसे एक्सियल फोर्स भी बोल सकते हो आप। और FY क्या होगा, FZ क्या होगा, ये वाला, क्योंकि हमारे पास फोर्स केवल Y में लग रहा था तो केवल हमारा FY जनरेट होगा इस बीम में, इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट भी तीन डायरेक्शन में होगी, MX, MY, MZ। जब वर्टिकल फोर्स होते हैं Y डायरेक्शन में तो ये बैंड इस तरीके से होता है, तो ये किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, Z के अबाउट, इसलिए इसको बोलते हैं MZ। तो क्योंकि वर्टिकल फोर्स है तो शियर फोर्स बनेगा Y में और बेंडिंग मोमेंट Z में। तो मैं Z पे क्लिक करता हूँ, MZ पे डायग्राम आ गया। कंट्रोल दबा के स्क्रॉल से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा छोटा करता हूँ, फिर वही रिजल्ट में जाऊँगा, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट, यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन को हटाऊँगा और बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम और मिड पॉइंट पर क्लिक करके एनोटेट कर दूंगा, तो आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। थोड़ा सा ये ओवरलैप हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, रिजल्ट में जाके व्यू वैल्यू,
बीम रिजल्ट केवल मैक्सिमम देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ आ रही है हमें उसी से मतलब होता है। ये देखिए तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो 13.281, और हमारे जो मैनुअल प्रॉब्लम है पीडीएफ में उसमें देखते हैं कितनी आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम थी ना हमारी, ये 13.3 किलो न्यूटन पर मीटर, और हमारी स्टैड में कितनी आ रही है 13.281, ठीक है। यहाँ पर जब मैनुअली हम कैलकुलेशन करते हैं तो राउंड अप कर देते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस आता है और कुछ नहीं है, ये राउंड अप की हुई वैल्यू है। तो 13.281 आ रहा है यहाँ पे किलो न्यूटन स्टैड के मिस में, और आपका मैनुअली में दिया हुआ 13.3। इसी तरह आप देखते हैं शियर फोर्स कितना आ रहा है और उसका डायग्राम। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को डीएक्टिवेट करना होगा आपको और शियर फोर्स पे एक्टिवेट, और रिजल्ट व्यू वैल्यू और बीम रिजल्ट में आपका शियर ये रहा मैक्सिमम देखते हैं शियर भी एनोटेट, देखो याद क्या डायग्राम ऐसा ही है, सेम सेम ऐसा ही है, ठीक है। 25 और 15 आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था आपका एक सिंपल बीम जिसके रिजल्ट को हम स्क्रीन पे कैसे देखें, ठीक है। इस प्रॉब्लम में या इससे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अब आप। अगर हम उस फोर्स को डीएक्टिवेट ना करें और लगातार वो कर दें तो कुछ नहीं, तब भी दिखाएगा, ओवरलैप हो जाएगा बस, है ना। देखो बेंडिंग मोमेंट मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, शियर फोर्स भी एक्टिवेट कर देता हूँ, और यहाँ पे रिजल्ट व्यू में सारे डायग्राम दिखा भी देता हूँ, बीच में जो जाती है बस थोड़ी सी, है ना। ये सारे बड़े छोटे भी हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर से दिखा रहा है कि कौन सी चीज क्या है। और किसी को कोई और डाउट? नहीं है कोई डाउट, आगे चलें क्या? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली आपकी। इस प्रॉब्लम में एक बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम ही है, R1, R2, दो लोड लग रहे हैं 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर, सेम लास्ट प्रॉब्लम जैसे, लेकिन इसमें कुछ और भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एन एडिशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ टोटल वेट 10 किलो न्यूटन। ये कह रहा है एडिशनल UDL, ये जो आपका यहाँ पे बीम की विड्थ ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे ये जो है आपका पोर्शन, यहाँ पे कुछ एडिशनल लोड है जिसका टोटल वेट दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। तो पहले उसको यूनिफॉर्म लोड में चेंज करना होगा, 10 किलो न्यूटन को डिवाइड करना होगा जितने पोर्शन को लग रहा है ना 2 से, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसको भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें D1 D2 की वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। मैं केवल आपको इसका लोड लगा के दिखा रहा हूँ, फिर ये आप खुद ट्राई करना। इसमें बस यही तो नई चीज है कि लोड हमें कैसे लगाना है किसी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इसी में लगा देता हूँ। मान लो यहाँ पे UDL इतने पे लगाना है, इतने पे, जिसकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये इस बीम में यहाँ से, क्योंकि ये बीम कितने का है देख ले जरा, लेंथ इसकी 3 मीटर का है, तो यहाँ से ये है आपका 0.5 मीटर, और यहाँ पर भी जो स्पेस है 0.5 है, यानी कि बीच में 2 मीटर पे लोड लग रहा है, तो कैसे लगाएंगे? बीम पे क्लिक किया, मॉडलिंग पे जाना पड़ेगा, देखो यहाँ के ऑप्शन भी चेंज हो गए हैं सारे, मॉडलिंग पे जाना पड़ेगा, जनरल लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस पे क्लिक किया, डेड आ गया, डेड पे क्लिक करके ऐड किया, ऐड में मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स -5, D1 की वैल्यू होगी 0.5, और D2 की वैल्यू क्या होगी, कोई मेरे को बताएगा D2 की वैल्यू क्या होगी? 2.5, ऐड कर लिया,
इसको इस बीम पे लगाना है जो सिलेक्टेड है। ये रहा जो ब्लू कलर का दिखा रहा है वो आपका ये वाला लोड है। यहाँ पर जो लोड की लिस्ट है, यहाँ पे डेड लोड के अंदर दो लोड है, दोनों यूडीएल हैं। जो सिलेक्ट होगा वो ब्लू दिखाएगा, जो अनसिलेक्ट होगा वो ग्रीन दिखाएगा। तो जैसे मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ वो ब्लू हो जाता है, नीचे वाला ग्रीन, नीचे वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। तो सेम इस प्रॉब्लम में आपको यही करना है, यहाँ पे बस एक यूडीएल लगाना है, ठीक है, और फिर एनालाइज करके रिजल्ट आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैं नहीं कराता। इस वाली प्रॉब्लम में आते हैं, इसमें क्या नया है, इसमें कुछ नया है, किसी को बताओ, कुछ नया हो तो मैं इसे कराऊं अगर आप चाहते हो तो। इसमें कितने बीम है कोई बताएगा? सर पांच, फाइव। पांच बीम है इसमें? नहीं, मैंने कहा है बीम जो है सपोर्ट टू सपोर्ट काउंट होते हैं। यहाँ पे कौन सी सपोर्ट है कोई बताएगा? यहाँ पे जहाँ मैंने सर्कल बनाया है, जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है वहाँ पे कौन सी सपोर्ट है? नोडल, मतलब फ्री सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। yes. और एक सपोर्ट ये रही, तो फ्री सपोर्ट और ये सपोर्ट, एक बीम आर वन से आर टू, दूसरा बीम और आर टू से ये एंड बीम, तीन बीम हो गए, ठीक है। तो आप तीन बीम बना लोगे ग्रिड पे क्लिक करके। अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है ये वाला नोडल लोड है 1 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, और ये दोनों मेंबर लोड है, ठीक है। मॉडलिंग कर देता हूँ जल्दी से, एनालाइज करके आप रिजल्ट आप देख लेना। कितना बड़ा बीम है ये? ये है आपका पाँच, बीच वाला पाँच है, और ये एक दो पाँच, एक पाँच दो, ग्रिड आ गई। पहला बीम है 1 मीटर का, फिर है 5 मीटर का, फिर है 2 मीटर का। ग्रिड को क्लोज कर दिया। आइसोमेट्रिक से फ्रंट व्यू, जनरल सपोर्ट, क्रेट पे करना है पिन, और शिफ्ट के से नोट देख लेते हैं इस सपोर्ट को कहाँ लगाना है, यूज कर्सर कर लेते हैं। ये आ गया, प्रॉपर्टी दे लेते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करके डिफाइन, अभी कुछ भी प्रॉपर्टी ले लो, 0.4, 0.3, कंक्रीट मटेरियल, ऐड क्लोज। इसको अब इस पे असाइन टू व्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। असाइन टू व्यू के बाद हम जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन। लोड केस में एक लोड बनाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो डेड एज्यूम कर लेते हैं। ऐड क्लोज, डेड पे क्लिक करके फिर ऐड करते हैं। तो आपका 2 किलो न्यूटन लग रहा है नोडल लोड वाई डायरेक्शन में, -2 डाउनवर्ड के लिए, इसको ऐड कर लिया। एक लग रहा है -1 लास्ट वाले पॉइंट पे। एक बारी लोड सारे ऐड कर लो, लगाते रहो बाद में। और बीच में कितने लग रहे हैं? ये इस बीम के लिए। अब यहाँ पे बस एक नई चीज़ है, जब आप 3 किलोन्यूटन लोड को लगाओगे तो उसमें D1 की वैल्यू आप कितने डालोगे, कोई बताएगा? D1 की वैल्यू सब वन, वन डालेंगे, क्योंकि इस बीम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है, इस बीम के लिए वो डिस्टेंस यहाँ से लेगा। और 4 किलोन्यूटन के लिए डालोगे 3, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मेंबर लोड के अंदर कंसंट्रेटेड फोर्स 3 किलोन्यूटन है लोड, -3 डाउनवर्ड के लिए, और यहाँ पे डिस्टेंस थी आपकी 1 मीटर, D1 ऐड कर लिया। इसी में हमने क्या किया, -4 और 3 मीटर ऐड कर लिया, क्लोज कर दिया। देखो सारे लोड आ गए क्वेश्चन मार्क के। ये वाला लोड कहाँ अप्लाई होना है? इस वाले जॉइंट पे। तो नॉट कर्सर लोगे आप, यहाँ सेलेक्ट करोगे और असाइन कर दोगे, फिर ये वाला लोगे, इस पर यहाँ क्लिक करोगे, असाइन कर दोगे। ये वाला इस बीम के ऊपर है तो बीम कर्सर से बीम सेलेक्ट करोगे और असाइन कर दोगे। ये वाला इस बीम के ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे सिंबल्स एंड एरर स्केल, और यहाँ स्केल में जाके आप पॉइंट लोड हैं सारे के सारे, इनकी वैल्यू को बढ़ाओगे। ये आ गया, शिफ्ट बी से लोड वैल्यू, ये आ गया, ठीक है।
तो एनालाइज तो करना आपको आता ही, एनालाइज कर लेना इसको, इसकी मॉडलिंग इस तरीके से होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, इसमें क्या है, अच्छा देखो इसको कैसे करना है। एक बीम है, इसमें कितने बीम है, तीन बीम, एक 2 मीटर का बीम है और एक बीम है 4 4 8 2 10 मीटर का बीम, 2 मीटर के दो बीम है, 2 मीटर और 10 मीटर, दो सपोर्ट है R1 R2, UDL जो लग रहा है इसमें दो UDL बनाने पड़ेंगे आपको, एक UDL तो लग रहा है फुल बीम पर, ये रहा 2 मीटर के बीम पर, और दूसरा UDL कहाँ लग रहा है, 0 D1 और D2 कितना है 6 मीटर, ठीक है। इसको मैं, इसको भी जल्दी से मैं बना देता हूँ, थोड़ा फास्ट में चलूंगा इसको क्योंकि आपको बेसिक तो पता ही है। क्या है बीम, 2 मीटर और 8 2 10 मीटर, तो 12 मीटर की ग्रिड होनी चाहिए हमारी, 12 मीटर कर दिया, पहले 2 मीटर, 2 मीटर से फिर 10 मीटर, ग्रिड को क्लोज कर दिया, फ्रंट व्यू पे चले गए, ये हो गया जनरल सपोर्ट, क्रिएट पिन सपोर्ट, पिन पे क्लिक किया, शिफ्ट के से नोड आ जाएंगे, ये नोड दोनों सेलेक्ट किए, इन दोनों पे हमने सपोर्ट लगा दी, प्रॉपर्टी पे गया, डिफाइन रेक्टेंगुलर ही ले रहे हैं अभी तक हम, 0.5 0.4 क्रॉस सेक्शन ऐड किया, इसको बीम पे अप्लाई करना है, असाइन टू व्यू, ये हो गया R1 R1 लिखा गया है, लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस पे क्लिक किया, ऐड डेड लोड हमने एज्यूम कर लिया, ऐड क्लोज डेड पे क्लिक किया, फिर ऐड करना है। अब यहाँ पे लोड की बात होती है, अभी देखते हैं, सबसे पहले एक UDL है 2 मीटर के बीम पे, तो मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स -2, D1 D2 कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये फुल मेंबर पे, ऐड किया क्लोज, इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा जो लोड है आपका, ये वाला जो UDL है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, यानी कि D1 कितना है, D1 है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और D2 कितना है जहाँ ख़त्म हो रहा है 6 मीटर पे, तो डेड पे क्लिक किया, फिर ऐड किया, मेंबर लोड यूनिफॉर्म -2, D1 है 0, D2 है 6 मीटर, ऐड किया क्लोज, इसको अप्लाई करूँगा मैं इस पर, ये देखो ठीक है। इसके बाद पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा 2 किलो न्यूटन का, कहाँ पे, 4 4 8 मीटर पे, फर्स्ट बीम सेकंड बीम के 8 मीटर डिस्टेंस पे, तो डेड पे क्लिक किया, ऐड किया कंसंट्रेटेड फोर्स इन मेंबर लोड -2 और D1 हो जाएगा 8 मीटर, ऐड क्लोज, इसको इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये लोड लग चुकी है, शिफ्ट और वी से आ जाएगा आपका लोड वैल्यू, यहाँ आप स्केल में जाके कर सकते हो पॉइंट को छोटा, ठीक है। ये मॉडलिंग हो गई, लोड हो गया, एनालाइज करके रिजल्ट आप देख सकते हो, या एक बार मैं जल्दी से इसको एनालाइज करके रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, एनालाइज के बाद ही एक्टिवेट होगा पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग डन, फुल स्क्रीन बैंड, अभी बैंडिंग में भी चेक करते हैं केवल, रिजल्ट व्यू वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनोटेट, शियर फोर्स भी एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, शियर फोर्स को अलग से कर लेते हैं, सही डायग्राम में दिखाई दे रहा, मैच कर लेते हैं एक बार, अच्छा इन्होंने इसका बेंडिंग में डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, शियर फोर्स किया, तो शियर फोर्स ही मैच कर लेते हैं, मैक्सिमम 4 आपकी यहाँ पे, 9.6 आ रही है इसमें, तो रिएक्शन चेक कर लेते हैं, रिएक्शन और चेक करना बताता हूँ, फिर रिजल्ट थोड़े अलग आ रहे हैं हमारे, फिर हम ये चेक करेंगे क्या गलती की है। तो रिएक्शन के लिए आपको क्या पोर्शन पे दूसरा था ना जो आपने पीडीएफ खोली,
ये वाला, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये वाला था ना। तो इसका शेयर फोर्स देख लेते हैं हम। सर थोड़ा अलग 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 लग रहा है मेरे को, है ना सर? सर इसमें एक लोड नहीं लगाया आपने शायद। कौन सा? सर इसमें एक तो 1 किलोमीटर, ओके ये रहा ये रहा, पूरे पे लग रहा, और फिर एक 2 का भी तो लग रहा है बीच में, ये वाला ना। और सर यस सर, और सर जब हमने यूनिफॉर्म लगाया वो तो 2 का लगाया ना, पर इसमें तो 1 का दे रखा है तो मैच नहीं हो रही। ठीक है इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं मॉडलिंग पे जाऊंगा दोबारा से, जनरल लोड एंड डेफिनेशन, जो हमारा यूडीएल लग रहा है उस पर डबल क्लिक करूंगा, इसको -1 कर दूंगा, चेंज, नीचे वाले को भी -1 करना पड़ेगा, चेंज, और एक और आपको पॉइंट लोड ऐड करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड फोर्स, जिसकी वैल्यू -2 है और 4 मीटर पे वो लग रहा है। ऐड क्लोज, इसको भी इस पर अप्लाई कर देंगे हम, ये हो गया, देखें जरा। ठीक है, कुछ भी एडिट करते हो तो एनालाइज दोबारा करना पड़ता है आपको। ठीक है डन, पोस्ट प्रोसेसिंग, डिफ्लेक्शन को हटाते हैं, शेयर फोर्स को लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हाँ याद हो तो कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि रिजल्ट हम कौन सा देखें, आप अपनी रिपोर्ट में लगाना चाहते हो या आप कहीं और काम कर रहे हो तो रिजल्ट कौन सा ले डायग्राम का। एक तो डबल क्लिक करके आता है और एक आता है इस पर। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के या ई टैब, वो सब में ये एरर है, और क्यों एरर मेरे को इसका अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है बता देता हूँ आपको कि जब आप ग्राफिकली स्क्रीन पे देखोगे शियर फोर्स डायग्राम, तो वहाँ पे जहाँ पे इंक्लाइंड नहीं आना चाहिए वहाँ पे इंक्लाइंड स्लोप दिखाता है। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे जो शियर फोर्स है ये ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखा रहा है स्टैड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका डबल क्लिक करके देखूँ तो ये रिजल्ट सही दिखाएगा। देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे सही दिखा रहा है भाई, ये इतना सा फर्क है और सब चीज सही आती है, वैल्यू भी सही आती है। और ये इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, जो और बाकी सॉफ्टवेयर उसमें भी ये दिक्कत आती है कि ग्राफिकली जब शियर फोर्स देखते हैं और शियर फोर्स की जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है वहां पे इंक्लाइन क्यों बना देता है, ये मेरे को पता नहीं, किसी को पता चले तो मेरे को बताना। ठीक है, ई टैब में भी ये दिक्कत करता है। तो हम डाटा कहाँ से लेते हैं, डायग्राम अगर आपको लेना है डबल क्लिक से, और रफली यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, तो इसमें तो सारी प्रॉब्लम लगभग हो गई हैं। अब किसी का डाउट हो तो बताओ, फिर हम कुछ नई चीज करते हैं। तो क्या हम जो अभी हमने जो भी हमने बनाया, क्या हम इसे किसी और यूनिट में देख सकते हैं बाद में अगर हमें देखना हो तो? हाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पे शिफ्ट वी दबाता हूँ। शिफ्ट वी तो नहीं दबेगा क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं है, शिफ्ट वी होता है लोड की वैल्यू के लिए। यहाँ पे डायग्राम है तो रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे शियर फोर्स का मैक्सिमम किलोमीटर में दिखा रहा है, मैं यहाँ से यूनिट चेंज करता हूँ। यहाँ पे यूनिट चेंज का आता है ये रहा इनपुट यूनिट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ किलो पाउंड। तो देखो यहाँ किप्स पे आ गया आपका रिजल्ट। मीटर को कर देता हूँ फीट। अब मैं यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे फीट पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला बटन है इनपुट यूनिट, तो आप कभी भी अपनी यूनिट को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दो यूनिट में आप रिजल्ट देखना चाहो तो नहीं आ सकता। ठीक है, वो सारे डाटा की एक बार ही चेंज हो जाएगी यहीं से बस। तो दोबारा से इसे हम कर लेते हैं मीटर और किलोमीटर। किसी और का कोई और डाउट? ठीक है, इसी बीम पे मैं कुछ चीजें वो बताता हूँ आपको। मॉडलिंग पे चले जाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, लोड एंड डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, और हम डेड लोड पे क्लिक करके ऐड करते हैं।
अब यहाँ से मैं एक एक लोड बताना स्टार्ट करता हूँ आपको, जितने लोड हो सके अभी। सबसे पहला टॉप पे दिया हुआ है सल्फेट, ठीक है। जब हम सल्फेट पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक और आइकन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डाटा आता है केवल छोटा सा। सल्फेट का मतलब होता है कि जो भी आपने मॉडलिंग की है उसका खुद का अपना वेट, ठीक है। खुद का वेट, किसी भी चीज़ का वेट निकालना हो तो आपको पता होगा वेट बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो और जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन होती है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो हमेशा वो वाई डायरेक्शन में होगी। और माइनस वन क्यों लगा हुआ है फैक्टर, कि मान लो आपकी बीम का वेट है 10 किलो न्यूटन, अगर आप फैक्टर माइनस वन लोगे तो 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, अगर फैक्टर टू ले लोगे तो डबल हो जाएगा। आपको किसी का वेट डबल करके चेक करना है तो ये फैक्टर की वैल्यू चेंज कर दो, लेकिन मैक्सिमम हम इसको वन ही रहने देते हैं और माइनस ही रहने देते हैं, क्योंकि डेड लोड हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में रहता है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसको केवल ऐड, ये दिखाई भी नहीं देगा, जैसे और लोड एरो से दिखाई दे रहे हैं ना तो सल्फेट दिखाई नहीं देता। तो इसको ऐड कर लेता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे सल्फेट आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। इसको अप्लाई करता हूँ इस बीम के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बस यहाँ से, असाइन टू व्यू, ठीक है। अब मैं एनालाइज करूँगा तो रिजल्ट सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब इंक्लूड हो गया है सल्फेट भी। देख रहे हो बेंडिंग मोमेंट कितना बढ़ गया, अब वैल्यू भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है देखो बढ़ गया है, 967 हो गया, क्योंकि अब सल्फेट प्लस जो ऊपर से लोड लग रहे थे उन सबका रिजल्ट है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें सल्फेट में कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट लोड पे चलते हैं। हमने अभी ये पहला है, इसमें कुछ भी और बताने को नहीं है, चलें आगे। ठीक है, इसके बाद आता है नोडल लोड। नोडल लोड का मतलब है आपका नोड पे जॉइंट पे जो लोड लग रहे हैं। अब नोडल लोड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक आता है नोड लिखा हुआ आ रहा है एक, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा हो सके अगर तो, नहीं आ रहा, सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, जब आपके किसी बीम के जॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग सकता है जॉइंट पे, या तो एफ वाई डायरेक्शन में लगेगा डाउनवर्ड या अपवर्ड, या एफ एक्स डायरेक्शन में लगेगा प्लस या माइनस, या फिर एक एफ जेड डायरेक्शन में लग सकता है, या फिर किस में डायरेक्शन में लग सकता है, एक आपका मूवमेंट लग सकती है, इस डायरेक्शन में लग सकती है मूवमेंट, इस डायरेक्शन में लग सकती है मूवमेंट, या फिर इस डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में। तो 6 रिएक्शन हमारी जनरेट हो सकती हैं किसी भी नोड पे, जनरेट भी हो सकती है और हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो नोडल पे हम 6 तरह की रिएक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू डालो और ऐड कर लो और एक साथ 6 की 6 भी लगा सकते हो। ठीक है, नोड सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप सपोर्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट चाहते हो, मान लो कोई स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करना चाह रहे हो, बना बनाया स्ट्रक्चर, और आपको पता चला कि उसकी जो सपोर्ट है वो सेटल हो गई है ग्राउंड में 10 mm, इस तरीके से ये सपोर्ट है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये थोड़ी सेटल हो गई है, ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई है, यानी कि 10 mm सपोर्ट हो गई, नीचे खिसक गई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे और उतना mm यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, दोनों चीज काम आती है सब आपका एनालिसिस करने में स्ट्रक्चर की। तो नॉइस में कुछ बताने वाला नहीं है, नोडल पे मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, एफ वाई में डाल दिया 5, इसमें डाल दिया 2, इसमें डाल दिया 4, मान लो 3 फोर्स लग रहे हैं, ऐड किया क्लोज किया और इस फोर्स को जॉइंट पे लगाना है आपको, इस फ्री सपोर्ट पे लगाता हूँ, देखो लग गए, एरो बहुत बड़ा आ रहा है इनका, है ना, वो भी वहाँ से छोटा कर सकते हो आप। ठीक है, दोबारा डेड पे क्लिक करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो
तो ये नोडल लोड हो गया। नोडल लोड के अंदर ये जो है आपका सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, अभी इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक हमें ना पूरी एक हमारे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो 100 mm मैंने FY डायरेक्शन में लगा दिया एड, और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे इस जॉइंट पे, बस एक यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी समझानी पड़ेगी, टेक्निकल चीज़ समझानी पड़ेगी, और जब आएगी ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम हम तब इसके बारे में बात करेंगे। डेड लोड पे ऐड किया, इसके बाद आता है मेंबर लोड। मेंबर लोड में मैं आपको आज समझाऊंगा केवल आज की क्लास में ये चार लोड कौन कौन से, यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मूवमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। उसके बाद जो बाकी हैं वो नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहला यूनिफॉर्म फोर्स जो आप पढ़ चुके हो, जिसमें लोड की वैल्यू डालते हैं, और D1, D2, D3 में बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार बताता हूँ। किसी बीम पे अगर फुल लेंथ लोड लग रहा है तो हमें D1, D2, D3 में किसी में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। अगर किसी बीम पे लोड इस तरीके से लग रहा है पोर्शन पे, किसी पार्ट पे, तो ये होती है आपकी D1 वैल्यू और ये होती है आपकी D2 वैल्यू, ठीक है। D3 का केस दोबारा समझते हैं, जो आपका पॉइंट लोड में भी था D2 के नाम से। बीम को अगर आप 3D देखोगे तो 3D कैसे होता है बीम, इस तरीके से लाइन डायग्राम ना, इस तरीके से ये 3D बीम है। अभी हम बात कर रहे थे लेंथ की डायरेक्शन में लोड अगर लग रहा है तो D1 D2 यूज़ करेंगे। अगर यही लोड हमारा सेंटर लाइन ये है इस बीम की, सेंटर लाइन पे ही लोड लगता है माना जाता है ये, अगर इसे सेंटर लाइन से इधर की ओर खिसकाना है या इधर की ओर खिसकाना है लोड को, तो हम D3 यूज़ करते हैं। यानी कि इस रेंज के अंदर अगर इस लोड को मूव कराना है तो D3 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, नीचे डायरेक्शन दी हुई है। एक में लिखा हुआ है XYZ लोकल, एक में लिखा हुआ है GY GX GZ ग्लोबल, एक में लिखा है PX PY PZ। तो इनका मतलब क्या है, देखो ये दो बीम है इस तरीके से ABC, ये डायरेक्शन है X, ये डायरेक्शन है Z, ठीक है। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये X हो गया, इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये Z हो गया। बट अगर किसी रूम में बीम रखा है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लें हम, ये XY, तो इसके रेफरेंस में इसका क्या एक्सिस है और इसका क्या एक्सिस, इसको बोलते हैं ग्लोबल। इसके खुद के अपना एक्सिस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं लोकल। किसी किसी केस में ग्लोबल लोकल अलग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में जो ग्लोबल है वही लोकल होता है। तो आपका कोई स्ट्रक्चर है उसमें आपको किस डायरेक्शन में लोड लगाना है वहाँ आपको चूज करना है। अभी तक हम चूज करते आ रहे थे ग्लोबल। लोकल काम आता है स्लैब के केस में, वो कब आता है, सर्कुलर चीज कोई बनाते हैं तब, ठीक है। सर्कुलर चीज में कैसे काम आता है थोड़ा सा बता देता हूँ, जब वैसे प्रॉब्लम करेंगे तब ज़्यादा इजी होगा समझना। इसी पे समझते हैं। हाँ, ये जो प्लेट है ये एक्स है, ये वाई है, आपने बता दिया, लेकिन क्या आप इसको बता सकते हो कि इस ये जो प्लेट है ये कौन से एक्सिस पे है, नहीं बता सकते ना, है ना। क्योंकि अगर आप किसी इस एक्सिस की बात करोगे इस पार्ट की, तो ये इस डायरेक्शन में है, इस पार्ट का बात करोगे तो इसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सिस पे है, प्लेन पे है, है ना। लोड कैसे लगाओगे, अगर मैं इसमें लोड लगा दूं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में केवल कहाँ लोड लगेगा, यहाँ, ये जो फ्रंट में आ रहे हैं एक्स में, यहाँ लोड लगेगा ही नहीं क्योंकि ये एक्स में है ही नहीं, है ना। तो ऐसे केस में इसका खुद का लोकल देखना पड़ेगा कि लोकल इसका यहाँ पे क्या है, लोकल एक्सिस इसका ये कौन सा है, तो लोकल के अकॉर्डिंग हमें लोड लगाना होगा। अभी थोड़ा सा इतना ही समझो, जब सर्कुलर चीज कुछ बनाएंगे हम तब इसको हम काम में लाएंगे। उसके बाद है यूनिफॉर्म मूवमेंट। अगर आपके किसी बीम में मूवमेंट लग रही है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे मूवमेंट लगाएंगे। अगर यूनिफॉर्म मूवमेंट लग रही है पूरे बीम पे, तो सेम एज यूनिफॉर्म केस, पॉइंट लग रही है तो सेम एज आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट। फर्स्ट फोर्स है आपका UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। सेकेंड है आपका यूनिफॉर्म मूवमेंट, सेम एज यूनिफॉर्म फोर्स
मोमेंट है, मोमेंट आप जानते हो क्या होती है, मोमेंट के लिए मेरे को अलग से क्लास लेनी पड़ेगी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। मोमेंट को हम लगा नहीं सकते, यूनिफॉर्म फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स मोमेंट दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में रिसर्च पर्पज से, लेकिन आप यूनिफॉर्म मोमेंट को लगा नहीं सकते। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ये एक बीम है, यहाँ से ये फिक्स है, जॉइन है किसी चीज से, इसके ऊपर आपने एक वॉल बना दी, इस वॉल को बनाने से हुआ क्या, इसके ऊपर किस तरह का लोड लग रहा है अब इस बीम के ऊपर, एक यूडीएल लग गया इसके ऊपर, तो यूडीएल फॉर्म हमने लगा लिया। लेकिन अगर हमें मूवमेंट लगानी है तो मूवमेंट हम लगा नहीं सकते, मूवमेंट अगर इसको देनी है तो हमें यहाँ एक पॉइंट फोर्स लगाएंगे अगर हम, तो ये ऐसे बैंड हो रहा है ना पॉइंट फोर्स से, तो पॉइंट फोर्स की वजह से इसके अंदर मूवमेंट जनरेट हो रही है। तो मूवमेंट हम प्रैक्टिकली मूवमेंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम किसी फोर्स की हेल्प से मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं, ये केवल रिसर्च पर्पज से मूवमेंट दी हुई है इसमें, ठीक है। लेकिन इसको लगाने का तरीका यूनिफॉर्म की तरह है, सेम एज पॉइंट फोर्स आपको पता चल गया है, पॉइंट मूवमेंट आपका सेम वैसे ही है कि जिस तरह से पॉइंट फोर्स है, किसी पॉइंट पर मूवमेंट लग रही है, ठीक है। इसके बाद हम लीनियर वेरिंग, ट्रेपोजॉइडल, हाइड्रोस्टैटिक, प्री पोस्ट और एंड फिक्स एंड फोर्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो बताओ। अब ये सिंपल बीम की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फ्रेम प्रॉब्लम आएगी और अलग अलग तरह के लोड आएंगे, लोड टाइप आएंगे। अभी केवल एक लोड आपकी बात ने बात की आपने डेड की, लेकिन अगर दोनों लोड लग रहे हो, डेड भी लग रहा है लाइव भी लग रहा है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट किसका चेक करना है, वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताओ। नो, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट रह गए जबकि पहले 18 हो गए थे, ठीक है। इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं एक क्विज लूंगा और एक वो भी रखा जाएगा, क्या कहते हैं, एक टेस्ट भी रखा जाएगा जिसमें एक प्रॉब्लम दूंगी और सबको अपना अपना प्रॉब्लम बना के स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, ठीक है। तो कल तो नहीं, कल मैं इतना करा दूंगा कि टेस्ट ले सकूं। तो कल के बाद ट्रेनिंग की क्लास नहीं, ट्रेनिंग के अलावा किसी दिन हम टेस्ट लेंगे जिसमें आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगा और आपको अपने सॉफ्टवेयर पे बनानी है प्रॉब्लम, और एक टाइम लिमिट होगी और स्क्रीनशॉट भेजना है तुरंत तुरंत, ठीक है। फिर इस क्लास को लीव करते हैं यहीं पे, रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी